ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यैव च परितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 8। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अव्याप्य भूमौ असपन अपसत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपिच अधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो फर्दर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, यहाँ पर अर्जुन एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है। हमें समझ में आ रहा है श्लोक से कि अर्जुन की क्या स्थिति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि ये हम सबकी स्थिति को दिखा रहा है। तो मुझे कोई ऐसा और कोई साधन नहीं देता। प्रभुपाद बहुत विस्तृत इसमें तात्पर्य बोलते हैं, और अर्जुन मुख्यतः कह रहा है कि जो हमारे जीवन में ये शोक है इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है और किस तरीके से नहीं दूर किया जा सकता है। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि पूरे पृथ्वी पर, और कैसी पृथ्वी जो कि पूरी धन धाने से संपन्न है, ऑपुलेंट अर्थ जिसमें सब कुछ है, खनिज पदार्थ व्हाटएवर वेल्थ एंड एवरीथिंग, ऐसी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य यानी कि एकमात्र एक छत्रपति, जिसको छत्रपति कहते हैं, टोटल एक व्यक्ति के नेतृत्व में पूरी पृथ्वी आ जाए और उसमें कोई रुकावट ना हो। ऐसा नहीं हो 5 साल बाद तक बनेगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद बदल जाएगा। कंटिन्यूसली ऐसा राज्य मिल जाए, वो कह रहे हैं वो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम किसी कंपनी में हमें प्रमोशन मिलती है, हमारा बिजनेस ग्रो कर जाता है, हम मामा चाचा मौमी मामी मौसी बन जाते हैं, यानी कि एक पद को प्राप्त करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कहने कि ऐसा पद जो पूरी पृथ्वी पर अकेले राज्य करने का मौका भी मिल जाए सालों सालों तक, कह रहे हैं वो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाह रहे हैं, सोशल स्टेटस को सुधारना चाह रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि मेरा सोशल स्टेटस टॉप मोस्ट भी क्यों ना हो जाए, ये मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। और कोई ऐसा साधन भी मुझे नहीं दिखता है जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता रहा पिछले अध्याय में, बहुत सारे उसने सदाचार के नियम बताए। धर्म की जब हम पालना करते हैं, पालन करते हैं धर्म का, तो एक संतुष्टि मिलती है, एक एग्जाम्पल है इसका, एक कि हम सही रास्ते पर हैं। जब हम धर्म का पालन जितना अधिक करते जाएंगे
अंदर से उतनी संतोष संतुष्टि आत्मतुष्टि एक आनंद आने लगता है हमें जीवन में। इसी कारण से लोग सालों साल धर्म का पालन करते हैं। जितना हम इसको सेल्फलेसली करते हैं उतना इसमें आनंद बढ़ता है। लेकिन अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा है, अर्जुन शोक में जा रहा है, लेकिन बातें तो सदाचार की कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि ये धर्म है, इसलिए इतने सारे धर्म समाज में बन गए। हर व्यक्ति का अलग धर्म गया बन गया, हर गांव का अलग धर्म है, हर गांव के हर परिवार ने अपने भगवान बना लिए। भगवान चूज करने का एक फैशन चला है, जैसे हम पति या पत्नी को चूज करते हैं, इस प्रकार धर्म भी वो चूज करता है आदमी। कौन सा धर्म लेंगे आप, बाजार में सारे धर्म बिकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में गुरु नहीं है जो कि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, ऐसा गुरु हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हम असली समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर नहीं कर पाएगा। उसका तथाकथित ज्ञान जो पिछले एक पूरे के पूरे चैप्टर में उसने दिया, लेकिन वो फिर भी कन्फ्यूज है, उसको कुछ तो असंतुष्टि है। आदमी अगर कोई चीज़ त्याग देता है तो त्यागने में भी परम संतोष है, जानते हैं आप लोग। जैसे कि हमारे कोई व्यक्ति है पारिवारिक लड़ाई में, बहुत कम ऐसे लोग कर पाते हैं, यदि बोलता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी तुम्हें, भाई बहन तुम ले लो, नहीं चाहिए। हाँ, यदि वो ऐसा करता है, करने के बाद उसको एक परम संतुष्टि मिलती है, यदि उसने सही भाव से सही तरीके से सही पर कॉन्टेक्स्ट में किया होगा तो। अगर नहीं किया होगा तो उसके अंदर असंतुष्टि सी रह जाएगी, मुझे ठग लिया गया या कुछ ऐसा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो जो धर्म की, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम अपने वास्तविक धर्म में चलते हैं तो हमारे को हमारे अंदर क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के बहकावे में आके कुछ कर देते हैं तो असंतुष्टि हो जाती है। तो अर्जुन को इतना ज्ञान देने के बाद भी असंतुष्टि है, तो बता रहे हैं कि ये समझ में आ गया था कि मेरा ये जो तथाकथित सो कॉल्ड ज्ञान है ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाएगा। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना पॉसिबल ही नहीं, यानी कि हमें अपने जीवन में यदि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वी नीड सम वैष्णव। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद बोलते थे कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इम्परफेक्ट, हम सब इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। क्यों है? हमारी इंद्रियों में दोष है, डिफेक्ट्स हैं हमारी इंद्रियों में, इसलिए हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, मिस्टेक करते हैं और फिर हम चीटिंग करते हैं। तो हम सब लोग अपूर्ण हैं, इम्परफेक्ट हैं, तो फिर क्यों किसी को फॉलो किया जाए जब सबको हर कोई अपूर्ण है, तो क्यों कोई गुरु बनाया जाए? क्योंकि गुरु कृष्ण को फॉलो करता है या गुरु अपने गुरु को फॉलो करता है, उसका गुरु उसका गुरु को फॉलो करता है। अल्टीमेटली ऑल द गुरुज आर कृष्ण इज आदि गुरु एंड कृष्ण इज परफेक्ट। आदि गुरु कैसे? क्योंकि भगवद्गीता कृष्ण ने बोली, इस ज्ञान को देने वाले कृष्ण हैं, फिर भगवान के कोई प्रतिनिधि इस भगवद्गीता को हमें समझाते हैं और इस प्रकार से ज्ञान हमें परंपरा से मिलता है। बट इसमें कोई भी व्यक्ति अपना मनगढ़ंत चीज़ नहीं बोल रहा है, वो गीता के ही श्लोक को हमें समझा रहा है माना। तो इस प्रकार से कृष्ण इज परफेक्ट, इसलिए जो उनकी टीचिंग को रिपीट कर रहा है वो परफेक्ट हो जाता है, चाहे उसके अंदर इम्परफेक्शन खुद क्यों ना हो, लेकिन वो गीता की टीचिंग्स को रिपीट कर रहा है। आप कहेंगे, आप कैसे कर सकते हैं कि जब वो अपरिपूर्ण है तो वो गीता की टीचिंग को ठीक से बता रहा है? तो इसका तरीका है इसको समझने का, क्योंकि वो भी अपने गुरु के अनुसार बता रहा है। आप कहेंगे, हमें कैसे पता कि वो अपने गुरु के हिसाब से बता रहा है? क्यों? उसका प्रमाण है। अगर मैं इस कौन संस्था के बारे में बताऊं तो हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु ने कई सारी किताबें लिखी हैं, कईयों के प्रवचन है। जैसे हमारे गुरु डायरेक्ट गुरु शिला प्रभुपाद नहीं है, लेकिन हमें शिला प्रभुपाद के प्रवचन अवेलेबल है। जब हम अपने गुरु के प्रवचन सुनते हैं, शिला प्रभुपाद के प्रवचन सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है तो बिल्कुल वही बात करें। और शिला प्रभुपाद के ऊपर जाएँ तो जो भी हमारे आचार्य गण हैं उनकी पुस्तकें आज भी हमारे पास, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, षड गोस्वामी, इनकी पुस्तकें आज भी अवेलेबल हैं। उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और इनके प्रवचन सुनते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है ना। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि ये परंपरा से ज्ञान एज इट इज़ आगे चल रहा है। इसमें अगर हम इम्परफेक्ट भी हैं, मेरे जैसा व्यक्ति,
नॉट हमारे आचार्य, क्योंकि हम आचार्यों की बातों को रिपीट कर रहे हैं, शिला प्रपात के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, तो हम भी परफेक्ट बन जाते हैं और आप भी परफेक्ट बन जाते हैं यदि आप इसको रिपीट करें तो। इस प्रकार से परफेक्ट व्यक्ति की सलाह फॉलो करने से हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, ना कि किसी ऐसे गुरु की बात सुन के जो कि अपने दिमाग के अनुसार कुछ बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है कृष्ण से ज़्यादा। जितने भी गुरु हैं वो अपने दिमाग से बोलते हैं, कोई रेफरेंस नहीं है किसी चीज़ का या गुरु परंपरा का। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल दिख सकता है बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो भी अर्जुन की तरह ज्ञानी लगेगा, जैसे अर्जुन की तरह है, अर्जुन ने पिछले अध्याय में कितनी ज्ञान की बातें बोली, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे हमारी। दूसरा इसका प्रमाण ये है, एक तो हमने बताया गुरु परंपरा से एज इट इज़ कि हम सही व्यक्ति से सुन रहे हैं, हम वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि से सुन रहे हैं। दूसरा है कि हमारे जीवन में वो परिवर्तन दिखेंगे। आज की डेट में हम कितने गुरुओं की बातें सुन रहे हैं, हमें अच्छी तो बहुत लग रही हैं, फॉलोअर्स उनके बहुत हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लोग पता नहीं मिलियन ट्रिलियन में लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन लोगों की जीवन शैली में, दिनचर्या में परिवर्तन नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि हम लोग हमारे यहाँ पर इस्कॉन के जब प्रचार होते हैं, छोटे छोटे केंद्रों में नई नई क्लासेस चलती हैं, कोई व्यक्ति कुछ ही साल सीखा है, माना 2 साल सीखा है, 3 साल सीखा है, वो कक्षाएं लेना शुरू कर देता है और वो भी दूसरों के जीवन में परिवर्तन ले आता है। क्यों? क्योंकि हम बात आचार्यों की बता रहे हैं जो कि परम भक्त रहे। इसलिए कोई नया व्यक्ति भी उतना इफेक्टिव प्रीचर बन जाता है, लेकिन दूसरी जगहों पर कोई बहुत बड़ा सीनियर वैष्णव है, हाँ बहुत पुराना बूढ़ा है, दाढ़ी भी लंबी हो गई है माना, लेकिन जब वो बोल रहा है तो लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। अच्छी तो बात बहुत लग रही है, क्या बात बोली आपने, लेकिन दिनचर्याओं में, आदतों में, खान पान में, भगवान के नाम में रुचि इत्यादि ये नहीं पैदा हो पा रही है। तो यदि ये पैदा हो रही है तो इसका मतलब कनेक्शन है, तभी लाइट जल रही है। जब सर्किट पूरा होता है तो लाइट जलती है। लाइट इज एनलाइटनमेंट, ज्ञान, ज्ञान से परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो ज्ञान बेकार है। ज्ञान से परिवर्तन दिखता है आदमी के बोलचाल में, उसके रहन सहन में दिखता है ना। कहते हैं ना, एक पढ़े लिखे आदमी जब बोलता है तो डिफरेंट ही लगता है एक अनपढ़ व्यक्ति से। उसी तरह से एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसका हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ है, जब वो बोलता है, जब वो जीता है, तो उसको देखने से, उसके जीवन शैली से, उसके बोलने से पता चलता है कि इसकी लाइट जली है, वरना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सब जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकते। शैक्षिक ज्ञान, जो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं आजकल की डेट में पढ़ाई लिखाई का, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसी संतान, ऐसी यंग जनरेशन जो बहुत सारी समस्याओं में डूबी हुई हो लेकिन पैसे बहुत कमा रही हो। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो एकमात्र गुरु आता है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें कि गुरु जो शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत है, वही प्रमाणिक गुरु है, वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। ये कौन होना चाहिए? वो ब्राह्मण जाति का होना चाहिए या शूद्र जाति का होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने हय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कि चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो या सन्यासी आश्रम में हो या शूद्र हो, जो भी हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि वो कृष्ण तत्व को एज इट इज़ जानता हो, एज इट इज़ बताने की क्षमता रखता हो। गुरु परंपरा के अनुसार वो गुरु है, चाहे वो शूद्र योनि में ही क्यों नहीं है। इसलिए वैदिक साहित्य में अन्य जगह कहा गया कि षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरून स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। कि विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण है, वैदिक ज्ञान में पारंगत है, बड़ा निपुण है शास्त्रों को पढ़ने में बोलने में, लेकिन वैष्णव नहीं है, यानी कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा समर्पण नहीं है, कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं है, कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने लायक नहीं है, चाहे उसका ज्ञान कितना भी क्यों ना हो शास्त्रों में, वेदों में। लेकिन कोई शूद्र यदि वह वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, तो वह गुरु बन सकता है, पद्म पुराण से लिया गया। इसलिए संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि की निवृत्ति धन संचय या आर्थिक विकास से नहीं हो सकती। हम निरंतर धन को संचय करने में लगे हैं लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाएं उनके पास
आर्थिक विकास से पूरी थे, फिर भी समस्याएं तू की तू बनी हुई। अब देखिए जब शिला प्रपात, इसका लाइव एग्जाम्पल है, ये बातें बड़ी डिफरेंट होती यदि हमारे पास लाइव एग्जाम्पल ना होता प्रपात का, तो इसलिए बातों में बड़ा दम है, क्योंकि हमने देखा कि उन पाश्चात्य जगत में जहाँ हमसे कितने साल वो आगे हैं, जब प्रपात वहाँ पे गए तो वहाँ की युवा पीढ़ी बड़ी परेशान थी। हाँ, लेकिन प्रपात की इन सिंपल कृष्ण भावना में बातों ने उनको बदल के रख दिया, उनकी लाइट जल गई, क्योंकि कनेक्शन जबरदस्त था। तो वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं ये विदेशी लोग, लेकिन शांति मिलती नहीं है। फिर कभी इंडिया आ जाते हैं, इंडिया में जगह जगह पे शांति, इंडिया में शांति ढूंढने के लिए ऋषिकेश में चले जाते हैं, और ऋषिकेश में कुछ और ही, ऋषि के केशों में कुछ और ही दम मारो दम चलता है किसी कोने में। तो वास्तविक सुकून मिल नहीं पाता है। लेकिन यदि वो किसी तरह से कृष्ण के प्रतिनिधि के पास पहुंच जाते हैं, जैसे कि शिला प्रपात के पास पहुंचे, तो उनके जीवन में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। जो उनको कभी नहीं मिला था वो उन्हें मिलने लगता है। इसके लाइव एग्जाम्पल ये लोग हैं जो आज की डेट में हमें अपना इंटरव्यू देते हैं, हम देख सकते हैं उनके जीवन में। उन्होंने जब इस साधारण जीवन को, इस शास्त्र को, इस कृष्ण भावना में को देखा, अपनाया, उनकी लाइट जल गई और उनके जीवन की समस्याएं सॉल्व हो गई। तो यही है जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका, ना कि आर्थिक विकास, धन संचय। हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं आज की डेट में, वो धन संचय के इर्द गिर्द है, वो सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए, कैसे जीवन में अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाई जाएं। हम सोचते हैं इससे हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे जीवन की समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही हैं। आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कल दूसरी आ जाती है, कोई मानसिक चिंता है। आप कहेंगे प्रभु जी कम से कम शारीरिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, ये घर बन गया, ये सब कुछ सुविधाएं हो गई, अब कम से कम अब क्या करूं, जब घर में सास बहू की लड़ाई है तो क्या करूं, क्या करूं, मेरा बॉस ऐसा मिल गया तो दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट आदमी इसको समझ पाएगा। आप देखेंगे जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो दूसरी आ जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है जीवन से। हमें लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हैं, ये वाली तो एटलीस्ट सॉल्व हो गई, अब ये वाली, जब तक ये वाली सॉल्व होती है तो फिर से कोई पहली वाली आ जाती है। तो इस तरह से वास्तव में ऐसे सॉल्व नहीं होंगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्जुन कर रहे हैं पिछले श्लोक में उन्होंने बोला, भगवान के प्रति शरणागति, गुरु को अप्रोच कर रहे हैं, गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने सुना कि गुरु वास्तव में कौन है, जो गुरु परंपरा से बोलता है और गुरु परंपरा के ज्ञान को एज इट इज़ रिपीट कर देता है, वो परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट व्यक्ति को फॉलो करता है, वो है कृष्ण। और क्योंकि हम सब परफेक्ट व्यक्ति कृष्ण को फॉलो करते हैं इस प्रकार, तो हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं इस प्रकार सॉल्व हो सकती हैं। हमें उस सुख और शांति और संतुष्टि मिल सकता है जिसका प्रमाण हमने बताया, वो सारे प्रभुपाद के शिष्य जो भौतिक संपदा से डेवलपमेंट में ऊंचे से ऊंचे पद पर थे, लेकिन दुखी थे, और प्रभुपाद से मिलने के बाद सुखी बन गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।